अस्सलामुअलैकुम क्लास, आई होप यू आर फाइन। लास्ट लेक्चर हमने मल्टीप्लाइंग फोर डिजिट नंबर फ्रॉम मैथ्स कार्निवल बुक 5 से पढ़ा था। आज हम उसकी प्रैक्टिस जोन को करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। क्वेश्चंस आर फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर्स। देन हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स हैं होंगी हमारे पास। थर्ड में हमने मल्टीप्लाई क्विकली पढ़ा था, और फोर्थ जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था उस टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो हम वन बाय वन इसमें से करेंगे। कुछ मैं इसमें से आपको अभी करवा दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे और उसको सॉल्व आउट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मैंने आपको सबसे पहले बताया था, वर्ड्स मीन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। प्रैक्टिस जोन क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट में हमारे पास क्वेश्चन वन में पार्ट ए विच इज 2137+75। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। लास्ट में भी हमने बताया था इसे लिखना कैसे है, 5 और 7 175 क्वेश्चन में लिखा हुआ आपके पास। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7 5 times 35, 5 3 carry, 5 3 times 15 3 18, 8 1 carry, 5 1 times 5 1 6, 5 2 times 10। गॉट इट बच्चों? अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में यूनिट और वंस प्लेस की जगह 0 ऐड करना है। अब इससे टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 times 49, 9 4 carry, 7 3 times 21 22 23 and 24, 7 7 21 or 4 25, 5 2 carry, 7 1 times 7 9, 7 2 times 14। लास्ट में फिर आपने अगले स्टेप में आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि आपने 2 0s टेंस प्लेस के लगाने हैं, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 7 times 7, 1 3 times 3, 1 2 1 1 times 1, 1 2 times 2। आपने अब आपने इन तीन इन सबको ऐड कर लेना है। तो ऐड कैसे करेंगे, 5 9 and 8 17, 1 carry, 6 1 7 7 and 5 12, 12 and 7 19, 9 1 carry, 9 and 1 10, 10 and 3 13, 1 and 1 2 2 and 4 6 and 1 7 2 and 1 3। इस तरह जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़े थे उसी तरह हमने सिर्फ इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन से इसे सॉल्व किया है, और इसके सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे करने हैं। हम 2 questions को और ट्राई करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट डी, इसे हम सॉल्व करेंगे। सिंपल 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी उसे ही यूज़ करेंगे। 2 0 times 0, 2 2 0 times 0, 2 9 times 18, 8 1 carry, 2 8 times 16 and 1 17। फर्दर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस प्लेस का 0 ऐड कर देना है। नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 times 0, 4 0 times 0, 4 9 times 36, 6 3 carry, 4 8 times 32 33 34 35। अब आपने टेंस प्लेस के 2 0 ऐड करने हैं। कलर चेंज कर देता हूँ इनके। ये आपने टेंस प्लेस के 2 0 ऐड कर दिए। फर्दर अब आपने इसे सॉल्व आउट करना है। 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 3 0 times 0, अगेन 3 0 times 0,
3 9 3 9 3 times 27 टू कैरी, 3 8 times 24 25 and 26। अब आपने हंड्रेड्स प्लेस के 3 0 ऐड कर देने हैं और थाउजेंड्स वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 10 times 0, 100 times 0, 19 times 9 एंड 18 times 8। अब फर्दर आपने इसे सॉल्व आउट करना है, सिंपल है, आपने इसे ऐड कर लेना है। ज़ीरो, ये सारे ज़ीरो हैं, ज़ीरो ये भी हमारे पास ज़ीरो हैं, इन्हें भी ज़ीरो लिख लेंगे। 8 0 8, 7 में जब 6 ऐड करेंगे 13, 1 कैरी, 7 and 5 12, 13 and 14 4 1 3 1 4, 4 and 6 10 10 and 9 19, 9 1 carry, 8 to 10 and 1 11। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपके लिए इसमें होमवर्क क्या होगा घर के लिए, इस पार्ट में से आपने बी सी ई और एफ को सॉल्व करना है ऑन नोटबुक। क्लियर है? अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। सो क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। सो क्वेश्चंस आर, मिस्टर डेविड सेंड रुपीज़ 342 के, मिस्टर डेविड 342 रुपीज़, 342 रुपीज़ हर महीने, एवरी मंथ ऑन हिज मेडिसिन, अपनी अद्वियात पे, अपनी दवाई अद्वियात पे खर्च करते हैं। कितने रुपीज़? 342। हो मच डज ही नीड टू स्पेंड इन 3 years? कितने, वो कितने पैसे 3 सालों में खर्च करेंगे? तो हम इसे कर लेते हैं अभी सॉल्व। सो जैसा कि आपने क्वेश्चन में कहा, उसने में बताया हुआ है कि स्पेंड्स रुपीस एवरी मंथ, हर माह में कितने खर्च होते हैं उनके? 342। तो इस हिसाब से हो मैनी स्पेंड्स इन 1 year, तो 1 year में कितने होंगे? तो आपको पता है 1 year में कितने मंथ्स होते हैं? 12 months, 12 months। अब 1 month में वो कितने 342 यूज़ कर रहे हैं? अब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 342 से, तो जब आप 12 को 342 से मल्टीप्लाई करोगे, 342 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 2 times 4, 2 4 times 8, 2 3 times 6, 0 इज वंस प्लेस का, 1 2 times 2, 1 4 times 2, 1 3 times 3 ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट आपने क्या करना है इसे, 8 और 2 times 0, 1 carry, 6 4, 10 and 1 11, 1 1 carry, 3 1 4, ये आपके पास आ जाएगा 4104, ये 400104। ये 1 year का कितने का आ गया हमारे पास? हो मनी स्पेंड इन 1 year, 1 year में इतना करते हैं, तो हो मैनी स्पेंड्स इन 3 years, तो 3 years में कितना करेंगे? 3 years में, 1 year में हमारे पास कितना आ रहा है ये है, तो 3 multiply इसे कर देंगे तो हमारे पास 1 year की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम इसे भी फाइंड आउट करते हैं कि 3 years में हम कितना निकालेंगे। तो इसे करते हैं 4 1 0 4 3 3 4 times 12, 2 1 carry, 3 0 times 0 और 1 3 3 1 times 3, 3 4 times 12, तो 3 2 in 3 years।
ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 12,332 रुपीज़ वो स्पेंड आउट करेंगे 3 ईयर्स में। तो अगेन इसको देखने से सॉल्व कैसे करना है कि हमारे पास मिस्टर डेविड ने स्पेंड रुपीज़ एवरी मंथ में वो कितने रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं, 342 RS। एक वन ईयर में कितने करेंगे, वन ईयर में कैसे फाइंड आउट करेंगे, 12 वन ईयर में हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 342 से पर मंथ के एक्सपेंडिचर से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4,104 आ जाएगा। हो मनी स्पेंड इन 3 ईयर्स, वन ईयर में जो हमारे पास टोटल वैल्यू आई है इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है हमारे पास के 483 स्टूडेंट्स अपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन इन 2013। 2013 में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 412 मोर स्टूडेंट अपेयर इन 2014 में 483 से 212 स्टूडेंट्स मजीद हमारे पास, मतलब 212 स्टूडेंट्स मजीद ऐड हो गए थे एग्जामिनेशन में। देन कह रहे हैं देर आर 3 times एज मैनी स्टूडेंट इन 2015, 2015 में उससे 3 times उसे 3 गुना ज़्यादा थे 2014 से। हो मैनी स्टूडेंट्स अपेयर फॉर एग्जामिनेशन 2015, 2015 में कितने स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए आए। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सबसे पहले होगा हमारे पास स्टूडेंट अपेयर्स इन 483। फर्दर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट अपेयर्स इन 2014 में कितने थे, 2013 के स्टूडेंट्स प्लस 212 वो आ जाएगा 483 प्लस 212। वो आपने ऐड कर लेना, इसे ऐड करके ये हमारे पास आ जाएंगे 3 to 5, 8 to 1, 9 to 4 to 6। ये हमारे पास 2014 के स्टूडेंट आ गए हैं। अब उसने कहा था कि फाइंड द स्टूडेंट्स अपेयर्स इन 2015। तो 2015 के लिए उसने हमें कंडीशन दी हुई है कि वो 3 times, मतलब 3 times मीन मल्टीप्लिकेशन, 3 times देन 2014। तो 2014 में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आए हैं, 695। तो 3 multiply 695 करेंगे तो वो क्या आएगा, हम करके देख लेते हैं। 695 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 5 times 15, 3 9 3 times 27 28, 3 6 times 18 20। तो कितने स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे, 2085 इन 2015। तो ये हमारे पास आंसर होगा। आपने सिंपली क्या किया, सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स अपेयर इन 2013 को राइट किया है, फर्स्ट जो उसने हमें क्वेश्चन बताया हुआ। सेकंड बताया था स्टूडेंट अपेयर इन 2014 में कितने स्टूडेंट्स आए थे, 2013 से 212 ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे। सॉरी स्टूडेंट्स, वो कैमरा जूम इन हो गया था, मैंने दोबारा से एडजस्ट कर दिया। ये देखें आप, सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट अपेयर इन 2013, हमें क्वेश्चन में बताया हुआ कि वो कितने हैं, 483। स्टूडेंट अपेयर इन 2012 में जो स्टूडेंट अपेयर हुए हैं वो 212 ज़्यादा हैं 2013 से। तो मीन्स इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, वो जो हमारे पास आ जाएगा 2014 में 212 स्टूडेंट्स हमारे पास मजीद आए हैं। तो इन दोनों को हमने क्या किया, फर्स्ट ऐड कर लिया, जो हमारे पास आया 695। नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा हुआ है स्टूडेंट अपेयर इन 2015, ये हमने क्या करना था, फाइंड करना था। उसके लिए हमें उसने कंडीशन बताई थी कि वो 2014 से 3 times ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स। तो 2014 में हमारे कितने स्टूडेंट थे, 695, और वो 3 times थे, मतलब
तीन से उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से। तो थ्री से मल्टीप्लाई ये मैंने साइड पे किया है और उससे हमारे पास आ गया 2015 × 2015। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई क्विकली वाले क्वेश्चन है, ये आप खुद परफॉर्म करेंगे। इसमें से कुछ मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद परफॉर्म कीजिएगा। सबसे पहले हम करेंगे इसमें से क्वेश्चन नंबर हमारे पास थ्री है, पार्ट ए 94 × 70। आपने इसे सिंपली क्या करना है क्विकली में, 94 इस वाले को ब्रेकआउट कर लेना है, 7 इंटू 10 इस तरह मल्टीप्लिकेशन में से लिख लेना है। सबसे पहले 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 9 = 28, 8 × 2 = 7 × 9 = 63, 64 = 65। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, 5, 8 × 10। तो जब इसे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा 6, 5, 8 and 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 108 × 265। इसकी मल्टीप्लिकेशन आप कैसे परफॉर्म करेंगे, पहले सबसे पहले पार्ट्स में ब्रेकआउट कर लेंगे ने। इसे ऐसे लिख सकते हैं 200 + 65 108 × 200 + ये वाला फिर से 108 × 65। आपने सबसे पहले 108 को 200 से मल्टीप्लाई करना है और 108 को 65 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका आंसर यहाँ पे लिख लेना है। ये आप खुद परफॉर्म करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन होगा 300 × 421, एज पार्ट है आपके पास, इसे हम कैसे करेंगे। इस पार्ट को हम करेंगे 300 और 421 को लिख सकते हैं 400 + 21, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट टू डिजिट्स को हमने मूव आउट कर लिया। अब 300 × 400 + ये वाला 300 × 21, इसे आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, एक आंसर आ जाएगा, प्लस इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे आपके पास एक गिवन आंसर आ जाएगा। इसे हम कर इसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करते हैं प्रॉपर से। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3×4 × 12। क्लियर है? हम इसे साइड मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं 300 और 400 को, 0 0 0 0 0। ये हमारे पास ऑलमोस्ट इसको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन हम इसे करते हैं कि इसको करना कैसे है। हमने 300 400 को मल्टीप्लाई करना है 0 0 and 0। वंस प्लेस का 0 लगाएगा, फिर इन सी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किस प्लेस का हमने 0 लगाना है, 10th प्लेस का, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाना है 120,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद जब हम इसे ऐड करेंगे 300 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6300। तो जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा। आपने इसे इस तरह सॉल्व करना है और बाकी पार्ट्स इसके इस क्वेश्चन के आप खुद करेंगे मल्टीप्लाई क्विकली के। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। अ बॉक्स हैज 35 पीसेज ऑफ स्वीट्स, के हमारे पास एक बॉक्स है उसमें 35 पीसेज ऑफ स्वीट्स हैं। तो हाउ मेनी पीसेज ऑफ स्वीट्स आर देयर इन 500 बॉक्स, तो 500 बॉक्स में कितने होंगे। तो ये आपने कैसे करना है, सिंपली ये मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपके लिए कि अ बॉक्स हैज 35 पीसेस, हाउ मैनी पीसेस
500 बॉक्सेस हैज। तो आपने इसे फाइंड आउट कैसे करना है कि आपने 500 बॉक्सेस हो गए तो 35 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 50 टाइम्स 0 50 टाइम्स 0 55 टाइम्स 25। फिर हम क्या करते हैं, 0 ऐड करते हैं, किस प्लेस का, यूनिट प्लेस और वंस प्लेस का। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 टाइम्स 0 30 टाइम्स 0 35 टाइम्स 50। 1 0 0 0 को ऐड करेंगे, 0 5 4 0 को ऐड करेंगे, 5 5 4 2 7 and 1 17,500 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का। बाकी दोनों आपने इस तरह 35 को सेकंड क्वेश्चन में 7,000 से मल्टीप्लाई